हम नीचे आ गए थे कल, उसके बाद बहुत लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ मैं। हम नीचे आ गए थे पर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसीलिए। तो अब हमने मैं नीचे आई, अपना हाथ मुँह धोया, उसके बाद मैं डायरेक्ट सो गई। खाना पीना भी नहीं खाया मैंने, और साथ में हमने एक रूम लिया, फिर उसमें हम सोए वोए जो भी है वो करा। वो करने के बाद अब हम सुबह उठ रहे हैं, और उठ गए थे हम 4 बजे और अभी 5:43 हो रहे हैं। अब हम जाएंगे बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि हमने सोचा जब हम केदारनाथ आए तो पास ही में है, मतलब पास तो नहीं है और 220 या 230 किलोमीटर है। फिर हमने सोचा चलो वहाँ पे भी चल लेते हैं, वहाँ पे भी घूम के आएंगे। तो अब हम बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं, और सच बताऊँ पैरों का तो ऐसा मतलब बैंड बज गया है ना, पैरों की इतनी एक्सरसाइज कर ली ना, पर मज़ा बहुत आया है, मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो मेरा एक ड्रीम था ये भी, मेरा क्या मेरी तरह और बहुतों का ड्रीम होता है। तो मैं बहुत खुश किस्मत वाली हूँ कि भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने दर्शन दिए, और मैं इस लायक हुई कि मैं भगवान के पास जा सकूँ, भगवान से मिल सकूँ। तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। अब हम बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं, और अब हम बस लेंगे और बस से फिर अब नीचे जाना है, फिर से चलना है। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर ही बस मिलेगी, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। फिर बस का सफ़र है हमारा, कम से कम 12 से 13 घंटे हमारा बस का सफ़र है, उसके बाद जाके पहुँचेंगे। हम बद्रीनाथ के लिए बस में बैठ चुके हैं, देखो अब बद्रीनाथ जा रहे हैं हम, और देखो वहाँ क्या होता है, कैसे क्या है। सब लोग पहली बार जा रहे हैं, मैं भी, तो फुल एंजॉय करेंगे, देखते हैं। अभी तो 12 घंटे का 13 घंटे का सफ़र है, पूरा सफ़र देखो अब कैसे गुजरता है। बस का सफ़र पूरा 12-13 घंटे का है, इसीलिए बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, तो एंजॉय करिए। ये हम बद्रीनाथ की ओर चलते हुए, बद्रीनाथ बहुत दूर है सच में, 220 किलोमीटर है ना। होंगे कहाँ भी आप, खाना खाने रास्ते में रुके हो, रास्ते रुके खाना खाने, चाउमीन खाएंगे अब। ठंडे में पहाड़ की आगे गाना नहीं आता, अभी हम बद्रीनाथ के रास्ते में हैं और ये हमारी बस है सामने, और हम यहाँ पे चाउमीन खाई गई थी, अभी चाउमीन खाई है, चाउमीन बड़ी टेस्टी है, मज़ा ही आ गया वैसे चाउमीन में। अब हम हमारी बस शायद ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या टायर चेंज हो रहा है, देन उसके बाद दोबारा से हमारा ट्रैवल शुरू हो जाएगा बद्रीनाथ के लिए। बहुत लंबा सफ़र होने वाला क्या है ही, लंबा सफ़र, पूरे पूरे 7-8 घंटे का सफ़र है, 220 या 230 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ केदारनाथ से। और हम थोड़ा सा सोए भी, खाना पीना सब खाया, लंच किया, और उसके बाद जा रहे हैं, शाम तक पहुँच गए, उसके बाद का
ये बारिश आते हुए का सीन, ये देखो बारिश की वजह से पहाड़ों में रास्ता जो है बड़ा डेंजर हो जाता है, बड़ा डेंजर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर वगैरह फिसलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये देखो हमने सही हुआ, हमने कल ही चढ़ाई वो कल ही चढ़ाई वढ़ाई करके आरती वारती करके हम जल्दी से जल्दी नीचे आ गए थे क्योंकि मौसम बहुत भयानक बन रहा था। देखो पहाड़ पहाड़ों पर बारिश आना बड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि इसमें चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमें बहुत लेट हो गया, रात हो गई बहुत ज़्यादा, वैसे तो अभी 6:30 ही हुआ है पर पहाड़ों पर जल्दी रात हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। ये देखो बद्रीनाथ पहुँच गए, बद्रीनाथ स्टैंड, अब होटल लेंगे, कहीं रुकेंगे, स्टे करेंगे एंड बारिश भी हो रही है, लेटे हुए रूम ले लिया हमने। होटल में पूछने जाता ना, नहीं मिलता होटल में, बाहर नहीं देगा कोई। फाइनली हम होटल पे आ गए हैं, अब देखते हैं क्या सीन है। हम बद्रीनाथ के मंदिर में आते हुए बारिश का माहौल है, बारिश हो रही है, ये देखो सामने दिख रहा है मंदिर, और हमें कहीं पे भी बारिश नहीं मिली थी, हमने सोचा चलो सही है पर यहाँ बारिश मिल रही है जिसकी वजह से ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, हाथ पर सुन। और बद्रीनाथ के मंदिर एंटर कर रहे हैं, जय श्री राम। शंकराचार्य जी जय बद्रीनाथ की। सभी लोग मंदिर के दर्शन कर लो जय बद्रीनाथ की। और ये देखो आसपास का मंदिर के आसपास का व्यू और मौसम देखो क्या हो रखा है, मतलब क्या ही हो रखा है। बद्रीनाथ से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत हालत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, बारिश आने की वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा, तभी भी कुछ ऐसी ही है हमारी। अभी हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, वहाँ से कोई बस नहीं आ रही थी हरिद्वार के लिए क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में, और बसें जो हैं वो सुबह सुबह निकल जाती है, सो इसीलिए हम थोड़ा लेट हो गए, उसकी वजह से फिर हमने छोटी टैक्सी ली, उसमें 250-300 रुपये लिए, जहाँ पे 150 रुपये लगने थे, मुझे नींद भी आ गई थी मैं सो गई। और अभी हम प्रतीक्षालय में भी उतरे हैं, चमोली में एक प्रतीक्षालय है जहाँ पे वेटिंग रूम, मतलब वेटिंग रूम टाइप में है, तो वहाँ पे ही अभी हम, अब देखो यहाँ से क्या है जुगाड़ करते हैं, हम ऋषिकेश जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई पर कोई बात नहीं, मैंने फ़ोटोज़ खींची है मंदिर की और एक दो वीडियोज़ हैं तो वो मैं आपको शेयर करूँगी, तो वो मैं डाल दूँगी वीडियो में। तो ये सीन बहुत, मतलब ना बारिश जैसा मौसम हो गया और बारिश जैसा मौसम में बर्फ़ भी गिर गई वहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई मेरे को, तो मैंने एक जैकेट पहन रखी है, साथ में एक कोट है, ऊपर से टोपा, मास्क भी लगा लिया क्योंकि नाक बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी, देखो मेरी आँखों से मेरे मुंह से लग रहा होगा ये देखना। और ये तो मैं शुक्र मान रही हूँ कि हम केदारनाथ सुबह उसी दिन चले गए जिस दिन हम 4 तारीख को, हम मतलब 5 तारीख को हम चले गए थे, ऊपर चढ़ गए थे और उतर गए थे क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं आई थी, मतलब हमसे बहुत लकी हैं क्योंकि वहाँ पे तो अगर बारिश आती तो वहाँ पे तो और भयानक हो जाता,
जब हम नीचे उतर रहे थे तो बारिश जैसा माहौल हो तो रहा था, और बारिश नहीं हुई थी, पर बद्रीनाथ में तो हमारी हालत ख़राब हुई। ऊपर से हम नंगे पैर, बारिश हो रही तो हमारा तो सुन हो गया पूरा शरीर, पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये लगे कस के ब्रेक, और ये आनंद ये हमारे पहाड़ी बकर, ठीक है, बकर बकरा और भेड़ दोनों है। फिर हम लोग अपनी अच्छी जी नींद पूरी करके दो तीन झपकी ले गए, उसके बाद हम खाना खाने के लिए यहाँ आए हैं। खाना खाएंगे, जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये मौसम औसम फिर से हो गया। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर होटल व्यू है, ये होटल व्यू का, और इसके पीछे का दृश्य देखा अभी आपने, जैसे कि कितना सारा कूड़ा ये रख रहा था। आप लोगों को क्या लगता है, एक तरफ तो हम कहते हैं स्वच्छता अभियान अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, और दूसरी तरफ हम ही लोग कूड़ा फैलाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। तो आप देख सकते हैं कि इतने सामने एक टेबल है, उस पर कितना सारा खाना वेस्ट रखा हुआ है, बताइए अब आप। ये हम जॉब में फंसते हुए, अब देखते हैं हम कब तक निकलेंगे यहाँ से। टेंटन ये जाम लगते हुए, अभी भी हम अपने पहाड़ों में, ये देखो देख सकते हो आप, हमने वहाँ से खाना पीना खाया, खाना भी हमने लेट ही खाया। लेट खाने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठे 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 हमें 2-3 घंटे हो गए, उसके बाद फिर हम ये जॉब मिला हमें। वो हम सोच रहे थे हम जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे, पर ऐसा संभव होता नहीं नज़र आ रहा। ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब शायद जाम खुल चुका है, क्योंकि भीड़ कम होते हुए नज़र आ रही है। ये देखो इन हवा में है कम ट्रैवल, यहाँ पे जाम खुलते हुए अब हम अपनी स्पीड की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पर फिर से हम स्टे लेते हुए। ये हम आ गए हैं हरिद्वार के स्टैंड, बस स्टैंड पे। पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए अब हम अपने शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। होते हुए हम आखिरकार दिल्ली पहुंच ही गई, मैं बहुत खुशी हो रही है मुझको। मेट्रो स्टेशन पे राइट नाउ, फाइनली आई रिच, फाइनल में घर पर पहुँचा अब, और जर्नी बहुत 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 अच्छी रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। तो चैनल पे बनी रहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, और आपको रिव्यू जरूर मिलेगा फिर से। बाय।